जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जिनके भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो या गोचरवश राहु कष्ट दे रहा हो, तो उस कष्ट से, उस परेशानी से निजात पाने के लिए क्या ऐसा उपाय करें कि राहु का जो असर है वो कम हो जाए, तकलीफ कम हो। तो यदि हम शुक्रवार के दिन खोपरा जो होता है, सूखा नारियल, उसमें ऊपर से काटकर, गोल टुकड़ा काटकर, यदि उसके अंदर हम खांड भरते हैं, खांड सफ़ेद शक्कर होती है बूरा, वो डाल देते हैं उसको भरकर, आप उसको वापस बंद करके अपने सर से 7 बार घुमाकर सीधा क्लॉकवाइज, और आप उसको पीपल के नीचे या जहाँ चींटियों का स्थान होता है उससे 1 हाथ दूर जमीन में गाड़ दीजिए। इससे राहु जनित पीड़ा खत्म हो जाती है। हर कार्य में जो विघ्न उत्पन्न करता है राहु, वो दूर हो जाता है। यदि राहु की वजह से शरीर में कहीं भी खुजली हो, खाज हो, या ज़्यादा ही तकलीफ वाली एलर्जी हो, तो आप अपने शरीर से जिस अंग पर एलर्जी हो रही हो, खाज खुजली हो, आप बिस्कुट उस स्थान से वार कर, उस अंग से वार कर, और उस बिस्कुट को आप चींटियों को डाल दीजिए। कुछ दिनों में वो बीमारी दूर हो जाती है, एलर्जी ख़त्म हो जाती है। और यदि सूर्योदय से पूर्व गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है तो भी राहु शुभ फल देता है, परेशानी उत्पन्न नहीं होती। तो दोस्तों, आप भी यदि राहु से परेशान हैं किसी भी कारणवश, तो आप ये उपाय कीजिए, फिर आप इसका आनंद उठाइए। दोस्तों, ऐसे वीडियो, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आप वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सदस्यों की संख्या बढ़ाइए, कमेंट कीजिए। जिस भी विषय में आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में और कुछ जानकारी नई आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।